हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। वर्ग 3 की आपकी तैयारी चल रही है, उस पर जो भी कमेंट करते हैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। दोस्तों, आज का कमेंट ये आया था कि क्या सकारात्मक सोच के साथ हम प्रयास करें तो सफलता अर्जित कर सकते हैं, खासकर वर्ग 3 में डेफिनेटली कर सकते हैं, और पॉजिटिव रहकर हम प्रयास करें तो उसकी कितनी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके पास एक उदाहरण लेकर आया हूं, यदि आप इसे समझ पाए तो आज के जो वीडियो है उसका भावार्थ आप संपूर्ण रूप से समझ जाएंगे। दोस्तों, एक राज्य था और उसका राजा बड़ा प्रतापी था। राजा जिस जंग में जाता था जीत कर ही आता था। आसपास के जो राज्य थे उससे भयभीत रहते थे, परेशान रहते थे। उसी राज्य में एक भविष्यवक्ता आया, राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा उससे मिला और उन्होंने कहा कि आप भविष्यवाणियां करते हैं, मैंने काफी आपके बारे में सुना है, तो कुछ हमारे राज्य के बारे में भविष्यवाणियां करें। जो भविष्यवक्ता था उसने 4-5 भविष्यवाणियां की कि कुछ महीनों में ये घटित होगा आपके राज्य में। और दोस्तों, 100% वो घटित हुआ। राजा को यकीन हो गया कि जो भविष्यवक्ता है जो भी कहता है वो सही कहता है। भविष्यवक्ता ने कहा कि राजन, मैं यहाँ पर आने का एक और कारण है कि मैं आपके बारे में भविष्यवाणी करने आया हूँ, जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। राजा ने कहा, क्या भविष्यवाणी है? उन्होंने कहा कि आप अगले जिस जंग में भी जाओगे वहां पर आपके प्राणों पर काफी संकट आएगा, हो सकता है आपकी मृत्यु तक हो जाए, और 3 महीने के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है, चाहे आप किसी जंग में जाए चाहे ना जाए, और ये मेरी भविष्यवाणी है जो कि सत्य होने वाली। राजा को यकीन था कि जो भविष्यवक्ता जो भी कहता है वो बिल्कुल सही होता है, और इसने यदि कहा है कि 3 महीने बाद मेरी मृत्यु होनी है तो 100% होगी होगी। ये सोचकर राजा नेगेटिव हो गया, डिप्रेशन में चला गया। उसके जो राज्य के कार्य थे वो भी पूरे नहीं हो रहे थे, और उसकी जो सैन्य बल थी वो जिस भी युद्ध में जाती राजा उनके साथ नहीं जाता था। इसका असर ये हुआ कि सैन्य बल भी कमजोर पड़ने लगा और उसकी हार होने लगी। आसपास के राज्य थे उस पर आक्रमण करने लगे, जनता भी परेशान होने लगी। उसका एक महामंत्री था, उसने पता लगाया कि आखिर ये हो क्यों रहा है, राजा इतने डिप्रेशन में क्यों चला गया। राजा के पास यह पूरी बात का पता लगाया और महामंत्री ने कहा कि आप एक सभा का आयोजन करें राजन, हमें आज्ञा दें, जिसमें मैं ये बात सिद्ध करूंगा कि जो भविष्यवक्ता है वो जो भी कह रहा है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। राजा ने भी ऐसा किया, सभी मंत्रीगण सभी उपस्थित हो गए और उस जो भविष्यवक्ता था उसे भी आमंत्रित किया गया। महामंत्री ने एक ही सवाल पूछा कि आपने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं हमारे राज्य के बारे में वो सब सब सही साबित हुई, और भी राज्यों के बारे में जो भी सुन रखा था आपने भविष्यवाणियां की थी वो भी सही साबित होती गई, तो यानी कि आप जो भी कहते हैं वो 100% ट्रू होता है, सही होता है, इसमें किसी को संशय नहीं है। भविष्यवक्ता ने कहा, हाँ यही है मेरा काम और मैं जो भी कहता हूँ वो 100% होता ही होता है। फिर महामंत्री ने कहा कि आपने बताया कि हमारे जो राजन है वो 3 महीने में उनका स्वर्गवास हो जाएगा, और यदि वो किसी भी लड़ाई में गए तो उनके प्राण वैसे ही चले जाएंगे। तो जो भविष्यवक्ता था उन्होंने कहा, हाँ ये बिल्कुल सही है और ये भविष्यवाणी मेरी गलत हो ही नहीं सकती। महामंत्री ने एक सवाल और किया कि आप अपनी आयु के बारे में ही बताएं कि आप कितने ईयर तक जिंदे रहेंगे, कितने वर्षों तक आप जीवित रहेंगे। तो उसने कहा कि मेरी जो आयु है वो 100 वर्षों की है, 100 वर्षों से अधिक मैं जीवित रहूंगा। महामंत्री ने अपनी तलवार निकाली और जो आपका भविष्यवक्ता था उसकी गर्दन काट दी दोस्तों, और उसकी मृत्यु वहीं हो गई। महामंत्री ने राजा से एक ही सवाल पूछा कि जिसे यही पता नहीं कि अगले क्षण उसकी मृत्यु होने वाली है, वो दूसरे की मृत्यु में कैसे भविष्यवाणी कर सकता है। ये तो अभी कह रहा था कि मैं 100 वर्ष तक जिंदा रहूंगा, लेकिन इसकी अगले ही पल मृत्यु हो गई। फिर महामंत्री ने कुछ सबूत रखे उसके सामने कि जो आसपास के राज्य थे उनका ये षड्यंत्र था, इसको भेजा ही इसलिए गया था कि राजा को डिमोटिवेटेड किया जाए, उस पर नकारात्मक प्रभाव डाला जाए, जिससे कि वो अपनी जो सैन्य शक्ति या सैन्य बल है उसको डील ना कर सके, उससे उत्साहित ना कर सके, उसे कोई भी जो रण विजय वो करती है उसके साथ ना जा सके, जिससे कि हम जीत सकें। और आसपास के राज्यों ने फिर आप पर हमला शुरू कर दिया, जिससे कि हमारी सैन्य बल की भी क्षति हुई और जनता भी त्रस्त हो गई। और जब मैंने इस बात का पता लगाया तो मुझे पूरी की पूरी बात मालूम चल गई जो कि महामंत्री ने वक्तव्य दिया। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि नकारात्मक कितना प्रभाव करती है इंसान पर। एक प्रतिभाशाली राजा, एक बलशाली राजा, वो भी अपनी हर लड़ाई को हारने लगता है, वो भी डिप्रेशन में जाने लगता है,
और वहीं यदि उसके पास सकारात्मक ऊर्जा है, सोच है, पॉजिटिविटी है, तो कम सैन्य बल के साथ भी वो बड़े से बड़े राज्य को भी हराने का प्रयास करता है, उसमें सफल होता है। यहाँ पर मेरा एक ही वक्तव्य है दोस्तों कि आप पॉजिटिव जितने रहोगे उतने ही आपके वर्ग तीन के नंबर बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? क्या पॉजिटिव रहने से वर्ग तीन में नंबर बढ़ते हैं? नहीं, पॉजिटिव रहने से आप पढ़ाई के लिए प्रेरित होते हो। आप जब मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो जो चीज आपको 3 घंटा में याद होनी थी वो 1 घंटे में याद करते हो। पॉजिटिविटी के साथ रहती हो कि आप तो मुझे ज्वाइनिंग लेनी ही लेनी है। ये पॉजिटिविटी आपको पढ़ाई की ओर इतना उत्साहित कर देती है, इतना अग्रसर कर देती है कि आप जैसे ही लोग टॉपर बनते हो। फिर ये होता है पॉजिटिविटी दोस्तों। और इतनी पॉजिटिविटी के साथ यदि आप पढ़ाई करोगे 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। तो कोई भी ऐसा जो भविष्यवक्ता है जो ये कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यदि आप उससे पूछोगे कि भैया आपने लाइफ में क्या किया, आप हमारी तो भविष्यवाणी कर रहे हो, आपने कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है क्या, कोई ऐसा काम किया है जिससे कि आपने कोई बड़ा एग्जाम निकाला हो, चलो प्राप्त भी नहीं किया, प्री या मेंस आपने निकाला हो, ये आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो इंसान कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर हमारे बारे में भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो? आपकी भविष्यवाणी आप स्वयं करो दोस्तों। आपने सोचा है कि हमें 120 प्लस लाना है, ये आपकी भविष्यवाणी है। 120 प्लस के लिए आप पॉजिटिव रहकर जब रेगुलर पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, आ ही जाएगा। और जब इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे दोस्तों तो ज्वाइनिंग तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो ये होता है पॉजिटिविटी का असर। यदि आप पॉजिटिव हो तो 1000 नेगेटिविटी के बीच में से भी रास्ता बना लोगे, और यदि आप नेगेटिव हो तो 1000 पॉजिटिव चीज हो रही हो उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहकर पढ़ाई करने से सफलता की चांसेस बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।